हमने करीब 1 लाख गायों की रक्षा का तो प्रबंध कर दिया है। गोमूत्र वो भी शुद्ध देसी गाय का अर्क निकालते हैं, गोमूत्र का वो औषधि है। गाय का गोबर का अंश, गोमूत्र का अंश, दूध का, दही का, घी का, इन 5 द्रव्यों में से कोई भी एक अंश हमारे भीतर जाता है तो हमें सात्विक बना देता है। 3 भाव हैं ये भी, जैसे परमात्मा अनादि है, अनंत है, जीव अनादि और अनंत है, ऐसी प्रकृति भी अनादि और अनंत है, और इसमें 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दैवी संपद में आपको जीना है, रजोगुण और तमोगुण से बाहर आना है तो गाय का आश्रय लो, गोमाता का आश्रय लो, गुरु का आश्रय लो, गीता का आश्रय लो। तो गोमूत्र आपके शरीर में जाना चाहिए, 2 चम्मच गाय का घी खाना चाहिए। अभी पिछले दिनों करीब 15-20 हजार हार्ट के दुनिया के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट अमेरिका में बैठे और सबने एक स्वर से कहा, जितना भी रिफाइंड ऑयल है ये सबको बीमारी पैदा करता है, कम से कम 2 चम्मच देसी घी जरूर खाना चाहिए, देसी घी 2 चम्मच सबको खाना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए, यह पूरी दुनिया में हो रहा है कि लोग देसी घी खा रहे हैं। ये जितना भी रिफाइंड है ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम करता है, बीपी करता है, शुगर करता है, और MS ऑटोमेट डिजीज, बहुत तरह की बीमारियां करता है। तो भाई गाय का घी खा लिया करो, फिर अपना फर्श सब साफ करते हो, पोछा लगाते हो। गोमूत्र से बढ़िया एंटी बैक्टीरियल कुछ भी नहीं है। हमने गोनाइल जो तैयार किया, इस समय करीब हम 1 लाख रोज बना रहे हैं, अगले साल तक हमारी योजना है हम 5 लाख बना सकें। तो 5 लाख हम गोमूत्र की बोतलें भरेंगे तो करीब 5 लाख गायों की सेवा हो जाएगी। ये कार्य अभी हमने करीब 10 गौशालाएँ छोटी छोटी शुरू कर दी, पहाड़ों में से, उत्तराखंड से, करीब करीब जो है पहले 1000 से शुरू किया था, 2000 गायों से हम गोमूत्र कलेक्ट कर रहे हैं। 7 रुपये हम गोमूत्र का देते हैं, गाय का मूत्र हम 7 रुपये लीटर खरीदते हैं। आज से 5 साल पहले 7 रुपये लीटर गाय का दूध खरीदा जाता था, और थोड़ा सहयोग किया तो हम गोमूत्र ही 10 रुपये किलो खरीद लेंगे। गाय दूध ना भी देगी तो रक्षा हो जाएगी उसकी। जब 8-10 रुपये गोमूत्र ही ले लेंगे तो एक गाय कम से कम 5-7 लीटर दो गोमूत्र तो दे ही देगी, उससे अच्छा है। तो आज संकल्प लेके जाओ कि सुबह उठ करके क्या पीना है, गोमूत्र का अर्क लेना है, बहुत अच्छा होता है आरोग्य के लिए। ये भाइयों आपके लिए भी, सेम टू यू, हाँ आपके लिए भी है, बहुत जरूरी। इतना करना शुरू कर दो ना, इसमें क्या जाता है भाई, इतना आड़ कबाड़ खाते हो सब निकल जाएगा सुबह सुबह, गंदगी ऊपर से नीचे तक सब साफ हो जाता है, बहुत अच्छा है। गोनाइल का इस्तेमाल करो, गाय दूध का इस्तेमाल करो, गाय का घी का इस्तेमाल करो। फिर अगली बात छोटी सी, स्वदेशी का व्रत लो। आज से 20-25 साल पहले से मैंने संकल्प लिया हुआ है कि कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करूँगा, कोई आज की बात नहीं है। मैं घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के किसी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता। सीधी सी बात है, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए बोलो, देश में सम्मानते हो, ये गेट वाले थारे भूफे लग गए, ये यूनिलीवर वाले, ये लाक्स लाइफ बॉय फेयर एंड लवली वाले हमारे कोई रिश्तेदार लगते हैं। मैं राधा रानी से, भगवान कृष्ण से, शिव जी से, भगवान राम जी से, अपने पूर्वज गौतम, कणादे, जमिनी, पाणिनी, पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सबसे हमारी कोई ना कोई हमारा संबंध है। इनसे क्या संबंध है भाई, देश का पैसा देश में रहे, विदेश में क्यों जाए भाई। और उनसे बढ़िया चीज़, विदेशी चीज़ों से बढ़िया साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ हो, जब अपने देश की अच्छी मिल रही तो विदेशियों का क्यों ले लो भाई। इसी नीति सी बात है, इसमें कोई हिसाब किताब वाली बात नहीं। और जब हिसाब किताब वाली बात है तो हमने कहा कि पतंजलि ने 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा योग, आयुर्वेद, गौ सेवा और भारत माता की सेवा के काम किए, और पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है, भारत की माता की सेवा के लिए। तो ऐसे कामों को प्रोत्साहन दो। मैं ये नहीं कहता कि केवल पतंजलि आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़े। लोग कहते हैं GDP घट रही है जी, ग्रोथ रेट घट रही है जी, अब इसमें भी आंकड़ों में भी बहुत सारा उल्टा पुल्टा रहता है। तो मैंने कहा भाई कोई मोदी जी जाके खेती करेगा, कोई मोदी जी फैक्ट्री चलाएगा, मोदी को दुकान चलाएगा, ये तो 125 करोड़ भारतीयों को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जब हम 125 करोड़ भारतीय अपने हाथों से पुरुषार्थ करेंगे तो देश की GDP बढ़ेगी, देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी,
देश का सरप्लस होगा, चारों तरफ से देश बढ़ेगा। हम 125 करोड़ लोगों को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और जब 125 करोड़ लोग पुरुषार्थ करेंगे, 250 करोड़ हाथ देश को बनाने में लगेंगे, तो मोदी जी जो न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं वो भी बनेगा, और वो हम सबको मिलकर के बनाना। देश के शासकों का कार्य अच्छी नीयत से अच्छा नेतृत्व देना, अच्छी नीतियां देश के लिए बनाना। अच्छी नीयत से अच्छा नेतृत्व देते हुए अच्छी नीतियां देश के लिए बनाना, ये देश के नेतृत्व का काम है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना अपना कार्य, अपना अपना पुरुषार्थ करें। मैंने 9 वर्ष की उम्र से योग करना शुरू किया, और तभी से एक संकल्प ले रखा है, छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। छुट्टी की क्या कर रखी है? छुट्टी। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ और परमार्थ, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसे आप भी संकल्प लेकर के जाओ कि हमें अपने कर्म को अपना धर्म मान के, स्वकर्मणां तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हमें जीवन में सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पावर चाहिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए, तो पुरुषार्थ ही एकमात्र हमारे जीवन का आधार तत्व है। तो आज बस इतनी सी बात कह करके कि हम सब जीवन में जैसा समझते हैं, सत्य और असत्य का, धर्म अधर्म का, शुभ अशुभ का, कर्तव्य कर्तव्य का सामान्य बोध सब आत्माओं को है, जो ज्ञान है उसका हम अनादर ना करें, और अपने कर्तव्य से हम पीछे ना हटें, तो दृष्टि और हमारी स्थिति, हमारा आचरण दोनों ठीक हो गए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाएंगे, सारे भ्रम सारे अंतर्द्वंद्व हमारे मिट जाएंगे। तो इतना ही कह करके आज इतना ये पावन उत्सव हमारे पूज्य गीता मनीषी जी के सानिध्य में, आपको एक तरफ यहाँ इस तीर्थराज, इस हमारे सबसे बड़े तीर्थ, जैसे अभी बात चल रही थी, अभी उन बातों को महाराज जी कहेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, कि तीर्थों का तीर्थत्व और उनका गौरव दिलाने का कार्य भी, जब ऊपर भी योगी और नीचे भी योगी हमारे प्रधानमंत्री जी भी योगी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी योगी, और यहाँ बैठे हुए सब साधु संत भी योगी हैं। अब तो महाराज योग की इतनी महिमा है, तो मथुरा वृंदावन धाम की भी महिमा, इनकी भी धूम पूरी दुनिया में मचनी चाहिए, और इनका तीर्थत्व उसको गौरव मिलना ही चाहिए। इतना कह करके एक बार फिर से सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, और हमारे पूज्य गीता मनीषी जी के तप और पुरुषार्थ को, जो पूरे राष्ट्र और विश्व में गीता को माध्यम बना करके, और भगवान श्री कृष्ण के सपनों का भारत बनाने के लिए, ऋषियों के सपनों का भारत बनाने के लिए, वैदिक युग के प्रतिष्ठा के लिए, ऋषि युग की देवत्व की प्रतिष्ठा के लिए, जो पूज्य गीता मनीषी जी कार्य कर रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे पूज्य गीता मनीषी जी का भी। बोले भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री और तपस्वी, मुझे योग ऋषि जी कह रहे हैं, तपस्वी मुख्यमंत्री, हमारे गोरखपुर गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और संत परंपरा के गौरव पूज्यपाद महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के परम शिष्य, उस परंपरा के नाथ, परंपरा के दिव्य संपोषक संवाहक, और भारतीय सनातन परंपराओं के प्रति संकल्पित समर्पित एक निष्ठ महापुरुष पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का यहाँ श्री कृष्ण कृपा धाम में आगमन, हृदय से अभिनंदन वंदन। कृपा धाम का शरद पूर्णिमा उत्सव चल रहा है, और इस बार का ये उत्सव प्रारंभ हुआ महाराज श्री यहाँ के वृंदावन के सरकारी और जितनी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा, जो सफाई कर्मी हैं यहाँ, लगभग 400 की संख्या में उन्हें आश्रम में बिठाकर उनके साथ प्रीति भोज, बड़े प्रेम से सबको भोजन करवाया गया, वस्त्र इत्यादि, और उनके साथ एक अपनत्व, और वो इतना आप्लावित दिखाई दिए यहाँ से,
जब वो गए 400 के लगभग यहाँ वृंदावन के सफाई कर्मी, तो हमने कहा कि इस बार का हमारा ब्रह्म भोज संत भोज जो प्रारंभ में होता है बाद में हम करते रहेंगे, सभी संतों की हमने अनुमति ले ली और पूज्य कार्ष्णी महाराज श्री की विशेष अनुमति लेके प्रारंभ हुआ। पूज्य संतों की मंच पे गरिमा में उपस्थिति रही, पूज्य कार्ष्णी महाराज श्री, पूज्य भानुपुरा पीठाधीश्वर, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, ठाकुर जी और अनेकों महापुरुष यहाँ मंच पर थे, सबका आशीर्वाद। प्रातःकाल जितने भक्तजन यहाँ हैं उससे भी कहीं अधिक वृंदावन धाम की परिक्रमा प्रातःकाल 5 बजे प्रारंभ हुई और एक स्वच्छता के संकल्प के साथ साथ सबको संकल्प करवाया गया कि वृंदावन में कोई थूकेगा नहीं, कहीं कोई गंदगी नहीं फेंकेगा, पड़ी हुई गंदगी को उठाने में अपना गौरव समझेंगे अब भी और आगे जब भी वृंदावन में आएंगे, और पूरे परिक्रमा मार्ग को स्वच्छता की एक प्रेरणा बनाते हुए कल एक पावन परिक्रमा प्रातःकाल रही यहाँ। हमें प्रसन्नता है हमारे मथुरा वृंदावन क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने भी परसों से ही यहाँ एक स्वच्छता सप्ताह के रूप में एक संकल्प लिया कि साइकिल पर या जहाँ पैदल जाना होगा जाकर स्वच्छता की एक अलग जगाने का उन्होंने दूरभाष पे जब बात की अच्छा लगा, और उनका ये संकल्प भी सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद के साथ पूरा हो और मथुरा वृंदावन के प्रति जो पूज्य योगी जी की भावना है वो भावना पूरे विश्व पटल पर, जैसा अभी पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने कहा, वृंदावन को तीर्थ के रूप में घोषित करवा करके पूरे इस तीर्थ, पूरे हमारी इस आस्था के केंद्र का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाए, ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी महाराज का आगमन इस रूप में उत्तर प्रदेश में इसके लिए वास्तव में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। यमुना जी की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमारे पूज्य संत वर्षों से इसके लिए प्रयासरत हैं, वो भले बरसाना धाम मान मंदिर हो या यहाँ के जितने भी संत, पूज्य योगी जी महाराज से संकेत करते हुए यहाँ मंच पर हमारे लगभग सभी संप्रदायों के वृंदावन धाम और आसपास के सभी पूज्य संत आज मंच पर यहाँ विराजित हैं, कुछ उनकी समस्याएं भी हैं, और हमने एक ही बात कही है कि योगी जी आए हैं तो हमें नहीं लगता वो कि किसी भी प्रकार से कि वो संतों की बात की कहीं वो अनदेखी करेंगे, ये प्रश्न ही नहीं हो सकता, ये तो हम सबको ये एक विश्वास मन में धारण करना ही चाहिए कि जहाँ भी कोई संतों की बात होगी वो प्राथमिकता में उसे लेंगे ही लेंगे। हाँ, कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं ऐसी जो विचारणीय, मिल बैठकर विचार करके समाधान करने की हो सकती है और उसके भी समाधान निकलेंगे, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। 2-3 समस्याएं जो पूज्य संतों की ओर से थी वो हमने सांकेतिक रूप में आदरणीय योगी जी से निवेदित की हैं और उन्होंने संकेत भी कर दिया है कि हम शीघ्र ही मिल बैठ के इसकी इनका समाधान का मार्ग निकालेंगे ही। और ये पूज्य सभी संतों के प्रति विनम्र निवेदन करते हुए कि हम सब विश्वस्त रहें कि नेत्रहीन विद्यालय जियो गीता के अनेक प्रयास, डॉक्टर्स के लिए गीता, पेशेंट्स के लिए गीता, टीचर्स के लिए गीता, स्टूडेंट्स के लिए गीता और पर्यावरण के लिए गीता, सीमा पर खड़े सैनिकों के लिए गीता, जेलों में हरियाणा की हर जेल में गीता पाठ हो रहा है, जेलों के लिए गीता का एक अद्भुत प्रभाव दिखा है। और कल हमने पूज्य महाराज श्री की, कार्ष्णी महाराज श्री की उपस्थिति में संकेत किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि क्या राजनीतिज्ञों के लिए भी गीता में कुछ है, तो हमने उसी समय गीता जी का अध्ययन उस रूप में करना प्रारंभ किया और उसमें से कल ही लेखनी पूरी हुई कि राजनीति के लिए गीता के क्या क्या संकेत हैं। तो जियो गीता ने गीता जी को ब्रेल पद्धति में अनुवादित करवाकर पहले हरियाणा के और फिर देश के हर नेत्रहीन विद्यालय तक गीता पाठ पहुँचे, ऐसा एक निश्चित किया है। फरीदाबाद में पीछे प्रारंभ हुआ, हमारे विपुल गोयल जी बैठे हैं, हरियाणा के उद्योग मंत्री, बड़े कर्मठ उद्योग और पर्यावरण मंत्री यहाँ हैं, उन्हीं की उपस्थिति में और हमारे प्रमोद और सुषमा जी के प्रयास से वहाँ नेत्रहीन विद्यालय में गीता पाठ प्रारंभ हुआ, अनेक स्थानों में हो रहा है, केवल 3-4 श्लोक 1-1.5 मिनट में ये बच्चे नियमित अब गीता पाठ वहाँ कर रहे हैं और इन बच्चियों में
दो बच्चियां मुस्लिम परिवारों की भी हैं, और हमने कहा बिना भेदभाव के गीता पाठ चलें और सभी उत्साह से करें, और वो भी सब उसी भाव से ही कर रहे हैं पाठ शीघ्र तक, केवल तीन श्लोक बस। अतः गीता पाठ है, योगस्ते कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते उद्धरेत् आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनः बन्धु आत्मा एव रिपु आत्मनः अनन्याय चिन्तयन्तः माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। इस योगिता की ओर से तीन श्लोक प्रातः काल, तीन श्लोक भोजन प्रसाद से पूर्व और तीन श्लोक रात्रि विश्राम से पूर्व के क्रम के हैं। ये प्रातः काल के तीन श्लोक इन बच्चों ने भी उच्चारित किए। हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, बड़ा पुराना सद्भाव यहाँ आश्रम के साथ है, वो भी यहाँ हैं, और भी अनेक शुभेच्छुजन यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम समझते हैं कि अब स्वागत इत्यादि की परंपराओं को बीच में रख करके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी सबसे प्रसाद लेके यहाँ धर्म रक्षा मंच के संयोजक और सभी सदस्य यहाँ हैं, वृंदावन की अनेक संस्थाएं, वृंदावन बाल विकास मंच और अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ हैं, सबके प्रति हृदय से सद्भावना। बिहारी जी और राधा वल्लभ जी की प्रसादी अगर तैयार है तो एक क्षण में ही यहाँ समर्पित कर दी जाए, और फिर बस शीघ्रता से ही हम श्रवण करेंगे बिना किसी विलंब के। उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री, तपस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज, बिहारी जी का आशीर्वाद इस रूप में उन्हें प्राप्त हो रहा है यहाँ शीघ्रता से ही। हरियाणा में गीता जयंती उत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और 26 नवंबर को करनाल में एक विराट गीता प्रेरणा महोत्सव, हजारों हजारों गीता प्रेमियों की सन्निधि में गीता पाठ, पूज्य योग ऋषि महाराज वहाँ रहेंगे। पूज्य योगी जी से भी निवेदन रहेगा कि इस बार कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव में भी उनकी उपस्थिति हो। तो सभी संत चरणों में वंदन। पूज्य गीता मनीषी, पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संत चरण, उत्तर प्रदेश शासन के हमारे सभी मंत्रीगण, श्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और भी अन्य जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं, और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर आयोजित तीन दिवसीय समारोह में आप सबको भगवान श्री कृष्ण के इस पावन क्रीड़ा स्थली पर पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं तो पूज्य संतों का दर्शन करने ही यहाँ पर आया। ये संपूर्ण क्षेत्र हम लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थली है, और उस पवित्र तीर्थस्थली के एक एक कण में भगवान कृष्ण की लीला से संपूर्ण क्षेत्र विराजमान है। भगवान कृष्ण के इस चमत्कार को देखने के लिए केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का श्रद्धालु सदैव बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करता है कि कब वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो।
सज्जनों, मैंने तो आप सबको पहले भी बताया कि मैं तो केवल यहाँ पर पूज्य संतों का दर्शन करने के लिए ही आया, और जब मैं इस परिसर में प्रवेश कर रहा था तो पूज्य योग ऋषि मंच को संबोधित कर रहे थे, उनका संबोधन चल रहा था, तो मैंने पूछा बाहर, मैंने कभी मंच पर व्यासपीठ पर कौन विराजमान है, तो वे लोग कोई उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो तब भी मैंने कहा आखिर कौन व्यासपीठ पर विराजमान है, लेकिन जब मैं मंच पर आया तो मैंने देखा योग ऋषि स्वयं ही मंच को संबोधित कर रहे, मंच के माध्यम से संबोधन दे रहे थे, अच्छा लगा। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि वृंदावन, गोवर्धन और इस क्षेत्र की जो भी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा है, इसको तीर्थ के रूप में इसके गौरव को प्रदान करने के लिए हम सब पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों ने एक बोर्ड का गठन भी कर दिया है, और बोर्ड यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और वहाँ से वृंदावन से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आपकी भावनाओं के अनुरूप यहाँ के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए हम जहाँ इस कार्य को यहाँ संपन्न करेंगे, वहीं साथ ही साथ मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ, NGT ने कुछ आदेश दिए हैं, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जिन लोगों को यहाँ पर NGT के आदेश के बाद प्रशासन ने उजाड़ा होगा उनकी पुनर्वास की व्यवस्था हुई है, और बाकी शेष की करेंगे भी, और अन्य की हम समीक्षा भी कर रहे हैं कि NGT के साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान किस रूप में किया जा सकता हो, इसके बारे में हम लोग को एक रास्ता निकालेंगे ही। सज्जनों, यहाँ की पहचान पवित्र यमुना जी भी है, गंगा और यमुना की अविरलता और निर्मलता बनी रहे ये हम सबका दायित्व बनता है, हमारा नैतिक धर्म भी है। समस्या ये है कि हम लोगों की एक आदत बन गई है, और वह आदत है कि गंदगी हम करें लेकिन प्रयास करते हैं कि सफाई दूसरा करे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पर हमारे पूज्य संतों के द्वारा अपने संबोधन में स्वच्छता के प्रति विशेष आग्रह दिख रहा था, हर धर्मस्थल अपने यहाँ से प्रारंभ करे, और स्वच्छता के प्रति हम सब भी एक स्वच्छाग्राही बनकर के इस अभियान को लक्ष्य तक पहुँचाने में अपना योगदान दें, तो हमारे धर्मस्थल सचमुच धर्मस्थल लगेंगे और लोगों की आस्था के विराट केंद्र के रूप में उभरते हुए दिखाई देंगे। इस संबंध में मैं आप सबका समर्थन और सहयोग चाहूँगा, हम तीर्थ बनाएंगे, यहाँ का भौतिक विकास करेंगे, यहाँ के हर प्रकार की सुविधाओं को, यहाँ के संरक्षण और संवर्धन में हम लोग अपना योगदान तो देंगे, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि साफ स्वच्छता अपने आश्रम के आसपास में, अपने घर और अपने मोहल्ले में स्वच्छता के प्रति हर नागरिक अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करने लग जाए तो फिर किसी को भी हमारे धर्मस्थलों पर, हमारे गाँवों में, हमारे कस्बों पर, हमारे नगरों में, हमारे तीर्थ स्थलों पर किसी को भी उंगली उठाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। अब तक हम लोग जब बाहर जाते हैं तो एक ही प्रश्न उठता है कि धर्मस्थल स्वच्छ नहीं होते, हम लोगों पर एक आक्षेप लगता है कि हम अपने देश को, अपने गाँव को, अपने नगर को स्वच्छ नहीं रख पाते हैं। इस आक्षेप का समाधान यही है कि हम सब मिलकर के स्वच्छ भारत अभियान का जो एक संकल्प देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिलाया है, उस संकल्प के साथ हम सब भी जुड़ेंगे तो सचमुच ये स्थल बहुत पवित्र और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होकर के देश और दुनिया के अंदर अपनी पवित्रता और नैतिकता का झंडा तो प्रगाढ़ करेंगे ही, साथ ही साथ दुनिया के सामने इस सनातन हिंदू धर्म और इसके महापुरुषों के, इन आराध्य देवों के बारे में एक बहुत अच्छी धारणा दुनिया के अंदर बनती हुई दिखाई देगी। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर, त्रिदिवसीय इस आयोजन पर, मैं
गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और उनके साथ जितने भी उनके सहयोगी हैं उन सबको इस पवित्र आयोजन के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा जो आयोजन कार्य होता है कुरुक्षेत्र में, वो आयोजन मुझे लगता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के हर क्षेत्र का कार्य करने वाला व्यक्ति कैसे अपने क्षेत्र में पारंगत हो, गीता उसके लिए एक मार्गदर्शन सदैव से करती आ रही है। मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान का मार्ग निकालने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं और वृंदावन और इस संपूर्ण क्षेत्र को तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने के लिए आप सबका सानिध्य, आप सबका आशीर्वाद और सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होगा, इस अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति। पूज्य योगी जी महाराज ने बहुत से आश्वासन ही नहीं, क्योंकि उनकी निष्ठा जुड़ी है भारतीयता, राष्ट्रीयता और अपनी परंपराओं के प्रति, इसलिए उनके ये आश्वासन नहीं है, हमें विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल व्यवहारिक रूप में हम सबके सामने होगा। वृंदावन यमुना जी, और एक छोटी सी बात कह कर के कि स्मार्ट सिटीज़ की बात भारत में प्रधानमंत्री जी ने चलाई और हमने तभी एक संकेत किया, वो योगी जी की बात से मैं ध्यान में आ गया वो संकेत कि स्मार्ट सिटी देश में बने वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक सिटीजन स्मार्ट नहीं बनेंगे स्मार्ट सिटीज़ की कल्पना भी अधूरी रह जाएगी। और यही बात उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटीज़ के साथ स्मार्ट सिटीजन और जियो गीता उसी के लिए प्रयासरत है, नागरिक भी पूरी तरह संकल्पित बने पूज्य योगी जी के प्रति और पूज्य योग ऋषि जी महाराज के प्रति अपने हृदय से सद्भावनाएं समर्पित करते हुए